मेरा चुनाव लड़ने का उद्देश्य है कि प्रदेश और देश में पहले भ्रष्टाचार को खत्म करना, क्योंकि भ्रष्टाचार को ही खत्म करेंगे तभी प्रदेश और देश शक्तिशाली बन सकता है। एक उद्देश्य को लेकर हम काम कर रहे हैं कि इस भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जाए। जिस समय हम 2004 से लेकर 9 के बीच में रहे हैं, हम लोग पश्चिमतावाद की मांग करते रहे हैं और हम मांग करते रहे हैं कि हमारी जो ट्रेनें लेट चलती हैं सिंगल लाइन की वजह से डबल लाइन बने। डबल लाइन तो नहीं बनी लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन की मांग की थी, तो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ हमारे जितने भी स्टेशन थे सबको कंप्लीट करा के उन्हें और वहाँ आरक्षण की व्यवस्था थी, जिससे क्षेत्र की जनता देश के किसी भी कोने में जाने के लिए हमसे टिकट खरीद सके और सुविधा प्राप्त कर सके। नई नौकरियाँ रोजगार सृजन करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसे दौर देंगे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। वैसे तो केंद्र सरकार ने हमारे भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हमारा जो नरेगा का जो काम चल रहा है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा काम देंगे, जिससे उनका परिवार का भरण पोषण हो सके। और छात्रों के लिए नई फैक्ट्री लगा के और अन्य अच्छी शिक्षा उपलब्ध करके जिससे अच्छी जगह वो नौकरी कर सके, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। बिजली और सड़क के लिए ये नए बिजली पैदा करने के लिए नए केंद्र बनाए जाएंगे, जिससे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बिजली के पैदा हो। और सड़कों के लिए तो पहले हम ये रोकेंगे जो यहाँ ओवरलोडिंग होती है, उसकी वजह से सड़क बनना तो रहा दूर, सड़क बिगड़ रही है। जो हम सड़क बना प्रदेश सरकार सड़कें बनवा कम पा रही है, उन्हें बिगाड़ने का काम ज़्यादा कर रही है। सबसे पहले हम इसे रोकेंगे तो ओवरलोडिंग रोके, जिससे हमारी जो पुरानी 50 साल की सड़कें हैं वो ख़राब ना हो सके, लोग उनका अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें। महिला सशक्तिकरण के लिए और दल है और कानून को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस उनके कानून को और सख्त बनाएंगे, जिससे उनका संरक्षण हो सके और वो अच्छी तरह से अपना काम कर सके और समाज के बीच समानता का उनके साथ व्यवहार हो। 1 से 4 साल के बीच में आज हमारे लिए कानपुर से लेकर झांसी के बीच में जो सिंगल लाइन है, इसे शीघ्र ही दोहरीकरण करा देंगे। दोहरीकरण कराएंगे जिससे जनता पूरी हमारे क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके। ये हमारी 5 जो विधानसभा हैं लोकसभा के अंतर्गत, कानपुर देहात, उरई, माधोगढ़ और कालपी और भोगनीपुर, एक अनोगरोठा, ये 5 ग्राम से इससे जुड़ जाएंगी और जनता को आने जाने में जो दिक्कत होती, समय बर्बाद होता है, वो समय बर्बाद नहीं होगा। इसका सबसे पहले हम दोहरीकरण कराएंगे।